Hello, students. From today, we are going to start our semester second lectures. So, yes, your second semester, I'll be taking your paper second, that is uh, MB 222 Air, Water and Soil Microbiology. As we know, your syllabus has been changed. And there is credit system pattern. so your credit one consists of air microbiology and water microbiology and your credit second consists of soil microbiology. So in this lecture or in this video we are going to discuss about the syllabus which which will be there for your same second.

एयर माइक्रोबायोलॉजी मतलब इट इज़ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फिर बैक्टीरिया आते हैं फंजाए आते हैं वायरसेस आते हैं आर्कीज आते हैं तो इन सब का आपको स्टडी करना है लेकिन दिस आर प्रेजेंट इन द एटमोस्पियरिक एयर ओके सो इट इज़ टर्म्ड एज एयर माइक्रोबायोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एटमोस्पियरिक एयर एयर माइक्रोबायोलॉजी तो कौन कौन से पॉइंट हम उसके अंडर स्टडी करने वाले हैं वी आर गोइंग टू स्टडी एयर फ्लोरा ट्रांट नेट ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड एरोसोल्स सो वॉट इज एयर फ्लोरा अब एयर फ्लोरा ये दो टाइप्स का होता है एक तो होता है नॉर्मल फ्लोरा और दूसरा होता है ट्रांजियंट फ्लोरा ठीक है तो नॉर्मल फ्लोरा क्या है नॉर्मल फ्लोरा है दिस आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पर्सन एंड डू नॉट कॉज अ डिसीज उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फ्लोरा और ट्रांजिएंट फ्लोरा क्या होता है ट्रांजिएंट फ्लोरा मतलब दे आर लाइक अ विजिटर्स दे आर नॉट प्रेजेंट परमानेंटली बट दे आर प्रेजेंट टेम्पररी ओके अगर मैं इसको रिलेट करूंगी एक एग्जाम्पल की तरह फॉर एग्जाम्पल एक uh, Uh, एक सिटी uh, है ओके okay? आप सिटी uh, में कुछ परमानेंट लोग रहते हैं और कुछ विजिटर्स होते हैं टूरिस्ट होते हैं ठीक है ठीके? तो जो विजिटर्स होते uh, जो परमानेंट लोग होते हैं ओके इन टू दैट टाउन और इन टू दैट सिटी जो परमानेंट रेजिडेंस होते हैं वो हो गए आपके नॉर्मल फ्लोरा ठीक है क्योंकि वो परमानेंट है विदाउट कॉजिंग एनी हार्म और उस सिटी में जो टूरिस्ट है या फिर जो विजिट करने आ रहे हैं वो हो गया आपका ट्रांजियन फ्लोरा तो ये विजिटर्स कुछ अच्छे हो सकते हैं नेचर में ठीक है कुछ लाइक टेररिस्ट हो सकते हैं यानी कि कुछ अटैकिंग वाले हो सकते हैं आप इसे रिलेट कीजिए माइक्रो से यानी कि क्या ट्रांजियन फ्लोरा मतलब क्या कुछ विजिटर्स अच्छे हैं और कुछ विजिटर्स हार्मफुल है मतलब पैथोजेनिक है समर पैथोजेनिक समर नॉन पैथोजेनिक ओके सो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं नॉर्मल फ्लोरा और ट्रांजिएंट फ्लोरा गेटिंग माय पॉइंट सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस नॉर्मल फ्लोरा एंड ट्रांजिएंट फ्लोरा विच आर टाइप्स ऑफ एयर फ्लोरा नेक्स्ट इज ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट न्यूक्लाई एंड एरोसोलस क्या है ये तो ड्रॉपलेट दिस आर दी स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड ओके इसे हम बोलते हैं ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट न्यूक्लिया क्या है दिस आर दी ये क्या है एरोसोल्स विच आर फॉर्म फ्रॉम एवापोरेशन ऑफ रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स ठीक है इसे हम बोलते हैं एरोसोल्स या फिर सॉरी ड्रॉपलेट न्यूक्लिया और एरोसोल्स क्या है एरोसोल्स ये एक तो सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं या लिक्विड पार्टिकल्स हो सकते हैं विच आर प्रेजेंट इन एयर या फिर सस्पेंडेड इन एयर ओके सो दैट इज दी पॉइंट सॉरी टू पॉइंट अंडर एयर फ्लोरा ट्रांसियंट नेचर और ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट न्यूक्लिया एंड एरोसोल्स ये सब हम इन सब के क्या देखने वाले हैं हम ये सब टर्म्स स्टडी करेंगे इनकी डेफिनेशन हम देखेंगे विच कैरी दटेज ऑफ वन लेक्चर इसका बी पार्ट है मेथड ऑफ एयर सैम्पलिंग एंड टाइप्स ऑफ एयर सैम्पलर्स इसमें हम क्या देखेंगे अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं एयर सैंपलिंग क्या है एक्चुअली हम इस पॉइंट में क्या स्टडी करने वाले तो एयर सैम्पलिंग ये एक ऐसी प्रोसेस है जो डिटरमाइन करती है आपके एयरबॉन कंटेमेंट विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट और विच आर प्रेजेंट इन द एयर ठीक है मतलब क्या ये एक ऐसी प्रोसेस है जो डिटरमाइन करती है कंटेमनेशन और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एयर तो वो सब हम कैसे मेजर करेंगे बाय यूजिंग द डिवाइस नोन एज एयर सैम्पलर्स ओके कैसे मेजर करेंगे डिवाइस बाय यूजिंग द डिवाइस नोन एज एयर सैम्पलर्स तो एयर सैम्पलर्स क्या है दिस आर द डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स यूज्ड टू सैंपल और मेजर अमाउंट ऑफ एयर इन अ स्पेसिफाइड टाइम मतलब क्या ये एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर अमाउंट ऑफ एयर या फिर एयर मेजर कर दी दैट आर द एयर सैम्पलर्स तो उसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे इम्पैक्शन ऑन सॉलिड्स इम्पीजमेंट ऑन लिक्विड फॉर सॉलिड वी यूज द टर्म इम्पैक्शन ओके फॉर लिक्विड वी यूज द टर्म इम्पीजमेंट तो ये सब टेक्निक्स है किसकी टेक्निक्स है एयर सैंपलिंग की टेक्निक्स है थर्ड है सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन मतलब सेडिमेंट हो रहा है सेटल हो रहा है ओके इट इज यूज टू कलेक्ट सेटल पार्टिकल्स ओके कैसे सेटल होंगे वो बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ये हम इन डिटेल देखेंगे जब हम एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब ठीक है नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन किस लिए यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स तो हम पार्टिकल सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट ओके बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट नोन एज सेंट्रीफ्यूज ठीक है तो सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करके हम पार्टिकल्स सेपरेट करते हैं दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम एयर सैम्पलिंग में यूज करेंगे ठीक है जो हम बी पार्ट में इन डिटेल स्टडी करेंगे सी पार्ट है एयर सैनिटेशन उसमें फिजिकल और केमिकल मेथड्स है ठीक है मतलब एयर सैनिटेशन अब सैनिटेशन ये वर्ड बहुत ही पॉपुलर हो चुका है तो आप सब अवेयर होंगे कि वॉट इज सैनिटेशन जस्ट टू किल ऑल माइक्रोब्स इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स ओके उसका मतलब होता है सैनिटाइज करना या फिर सैनिटेशन करना तो अभी हमें क्या करना है एयर सैनिटाइज करनी है मतलब एयर हमें जो नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म सॉरी नॉन पैथोजेनिक बट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो एयर में प्रेजेंट है उसको हमें क्या करने हैं क्लीन करना है या फिर उसको हमें क्ली कील uh, करना है तो हम कील करने के लिए क्या करेंगे एयर सैनिटेशन यूज करेंगे तो कैसे करेंगे सैनिटाइजर यूज करेंगे हम नहीं वी विल नॉट यूज़ सैनिटाइजर बट इन वी विल प्रोवाइड सम यूवी ट्रीटमेंट यूवी जर्मिसाइडल लाइट हम यूज़ करेंगे ओके ओजोन ऑक्सीडेशन यूज करेंगे या फिर कुछ केमिकल्स यूज करेंगे जिस वजह से हम एयर सैनिटाइज कर सके सो दैट इज द एयर सैनिटेशन तो फिजिकल फिजिकल मेथड्स में यूवी आता है और केमिकल्स में लाइक क्लोरीन एंड एक्सेट्रा केमिकल्स वी यूज

वायरल हो सकते हैं ठीक है बैक्टीरियल में क्या आता है डिप्टेरिया ट्यूबर किलोसिस राइट और जो वायरल है वायरल में आता है फ्लू दैट इज इन्फ्लुएंजा, मिजल्स स्मॉल पॉक्स तो ये जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है वो हम इसमें स्टडी करेंगे आपका सेकेंड पार्ट आता है वाटर माइक्रोबायोलॉजी ठीक है अब हमने सिर्फ जो आपका जो फर्स्ट पार्ट था ये सब एयर से रिलेटेड था जिसमें आप नॉर्मल फ्लोरा स्टडी करेंगे ठीक है एयर सैम्पलिंग के मेथड स्टडी करेंगे एयर बॉर्न इंफेक्शन स्टडी करेंगे और सेकेंड पार्ट है आपका वाटर माइक्रोबायोलॉजी अब यहाँ पर क्या है कैसे डिफाइन करेंगे आप वाटर माइक्रोबायोलॉजी को इट इज द स्टडी ऑफ ऑल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन वॉटर तो वही आता है ऑल मीन एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्मी एक्सेट्रा एंड वॉटर माइक्रोबायोलॉजी में वॉटर में, में, में जो प्रेजेंट है उसका हम स्टडी करेंगे तो कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पर द फर्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ वॉटर विच कंसिस्ट ऑफ सरफेस ग्राउंड स्टोर डिस्ट मिनरल एंडलाइज वाटर तो यह है टाइप ऑफ वॉटर जो हम एक एक करके जब हम एक्चुअल वाटर माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करेंगे तब हमें इन सब का डिफरेंस क्या है वो हमें पता लगेगा ठीक है ग्राउंड वाटर क्या होता है डिस्ट्रिल वाटर क्या होता है यह सब अपने टर्म्स यूज किए होंगे डे टू डे लाइफ में ठीक है लेकिन एक्चुअली ये क्या है ये हम इन डिटेल

एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एनवेंट डिपार्टमेंट ऑफ़ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ठीक है ये हुआ एम पी सी बी यानी कि ये सिर्फ अंडर महाराष्ट्र लेवल में आ, काम करता है तो इसका काम क्या है इसका काम है टू चेक द पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर नॉट ओनली पोर्टेबिलिटी बट ऑल द कंडीशंस और वी कैन से ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दॉटर वॉटर सप्लाई एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके सो ऑल द एस्पेक्ट रिलेटेड टू द वॉटर सो ये फंक्शन कैरी आउट होते हैं अंडर एम पी सी बी जस्ट ऑफ महाराष्ट्र फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा है दैट इज सी पी सी बी दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ओके तो ये डिफरेंस है एम पी सी बी और सी पी सी बी में अब इसके फंक्शन क्या है ओके okay, इसका रोल क्या है ये सब हम इन डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर में डिजाइन बेस्ट यूज वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया तो कौन से क्राइटेरिया है वाटर क्वालिटी के वो भी हम इस बी पॉइंट के अंडर स्टडी करेंगे या सी पॉइंट इज वाटर प्योरीफिकेशन मेथड्स तो बहुत सारे वाटर प्योरीफिकेशन मेथड्स हैं जो हम घर पर ही यूज़ uh, करते वो है बॉइलिंग ट्रीटमेंट ओके बॉयलिंग वाटर टू अप टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सो दैट उसके सारे जम्स ये कील होते हैं एंड देन वाटर इज सेट टू ड्रिंक दिस इज़ ऑल्सो वन प्योरीफिकेशन मेथड विच इज परफॉर्म इन होम ओके उसके बाद आर ओ सिस्टम ऑलरेडी प्रोवाइडेड है जो डायरेक्टली वाटर प्यूरीफाई करती है क्लोरीनेशन है जो घर पर पानी आता है ओके दैट इज़ क्लोरीनेटेड, उसको क्लोरीन ट्रीटमेंट दी जाती है दैट इज़ क्लोरीनेशन, डिस्ट्रीलेशन है फिल्ट्रेशन है रेडीमेड प्योरीफायर अवेलेबल है तो ये सारे वाटर प्योरीफिकेशन मेथड्स हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट है बॉर्न इन्फेक्शंस अब बॉर्न इन्फेक्शंस में क्या है जैसे बॉर्न इन्फेक्शन था वैसे वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस ओके okay? तो वॉटरबॉन इन्फेक्शंस दिस आर द इन्फेक्शंस विच आर कॉज्ड बाई ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर ओके और ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर तो कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं टाइफाइड है डिसेंट्री है कोलेरा है ये सारे डिसीज आपको पता होंगे ओके okay? बस हम इसे इन uh, डिटेल में स्टडी करेंगे ओके सो दैट इज दी वाटर बॉन्ड इन्फेक्शंस योर ई पार्ट इज इंडिकेटर्स ऑफ फीकल पोल्यूशन अब ये क्या है दिस इज कम्प्लीटली न्यू टर्म फॉर यू इंडिकेटर्स ऑफ फीकल पोल्यूशन उसमें हम अलग अलग इंडिकेटर्स देखेंगे जैसे ईस्टर्चिया कोलाय स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकसफिकलिस क्लोस्ट्रेडियम परफ्रिंजेस एंड न्यू इंडिकेटर्स जो है वो है कैम्फिलोबैक्टर एंड सुडोमोनास तो ये सब बैक्टेरियल स्पेशीज है जो एज अ इंडिकेटर यूज किया जाता है अब ये इंडिकेटर क्या है तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फीकल कंटेमनेशन उसे आप बोलते हैं इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म एक बार मैं फिर से रिपीट कर दू इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दिस आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फीकल कंटेमनेशन आप एक और नया वर्ड आ गया कि फीकल कंटैमिनेशन क्या है तो कंटेमिनेशन तो आपको पता है कोई भी पोल्यूटेड थिंग आप उसे कंटेमिनेशन बोलते हैं फीकल क्या है फीकल इट इज द वेस्ट ऑफ animals okay waste of animals domestic animals or any uh, we can say human beings okay so that is the fecal contamination or uske wajah se ya fir industry ka jo bhi waste hai wo directly river mein uh, river mein choda jata hai theek hai cattles uh, जो है उनका वेस्ट भी कभी कभी डायरेक्टली रिवर्स में आता है तो उसके वजह से पानी ये कंटेमिनेट हो जाता है पानी ये पोल्यूटेड हो जाता है ठीक है तो कुछ इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं इंडिकेट करने के लिए कि वाटर ये पोल्यूटेड है या नहीं ठीक तो है तो वो इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं तो वो है इकोलाइ स्ट्रेप्टोकोकस क्लॉस्ट्रीडियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स गेटिंग माई पॉइंट तो ये सब हम स्टडी करेंगे एयर एंड वाटर माइक्रोबायोलॉजी में ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग सिलेबस के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे थैंक यू